हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द मीनिंग ऑफ रूटीन चेकिंग देखो नाम से क्या समझ आ रहा है रूटीन चेकिंग ऐसी चेकिंग करेंगे आप जो कि ऐसी है डेली बेसिस पे होने वाली है है ना मतलब अपने अकाउंट्स या अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की आप इस तरह से एग्जामिनेशन करेंगे कि आप डेली बेसिस पे कर रहे हो रेगुलरिटी पे कर रहे हो है ना बेसिकली इसमें चेक क्या किया जाता है कि जो आपके अकाउंट्स हैं उनकी जो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है क्या वो मेंटेन्ड है राइट right. अब ऐसा क्यों करते हैं सो दैट हम अगर फ्रॉड्स एंड एरर्स हैं हमारे अकाउंट्स में तो हम उसे टाइमली बेसिस पे डिटेक्ट कर सके और जो भी हमने एक्शन लेने हैं ताकि उनका ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े है ना इसलिए हम वो चीज करते हैं चलो एक बार देखते क्या लिखे एवरी बिजनेस मेंटेन्स सम और अदर सॉर्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड दीज आर एग्जामिड ऑन डेली बेसिस तो यही बोला गया है कि जो भी आपके बिजनेस में अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं या जो भी डॉक्यूमेंट्स मेंटेन कर रहे हो उनकी एग्जामिनेशन की जाती है ऑन डेली बेसिस द डेली एग्जामिनेशन ऑफ दीज बुक्स एंड अकाउंट्स इज नॉन एज रूटीन चेकिंग और इसी को आप बोलते हैं रूटीन चेकिंग ठीक है रूटीन चेकिंग मीन्स चेकिंग ऑफ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड लेजर्स विद अ व्यू टू डिटेक्ट फ्रॉड्स एंड एरर्स यही बोला गया है कि आप रूटीन चेकिंग क्यों करते हैं क्यों आप एंड में ही नहीं कर लेते हो उसको चेक क्यों क्योंकि देखो एक चीज है देखो अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो करते जा रहे हो और एंड ऑफ द ईयर आप चेक कर रहे हो कि देखें क्या कोई फ्रॉड तो नहीं है और अगर स्टार्टिंग में ही आपको फ्रॉड मिल गया तो वो फ्रॉड तो आपका कॉन्टिन्यूटली चलता रहेगा ना एंड तक तो अगर आप यही डेली बेसिस पे चेक कर रहे होते रूटीन चेकिंग की होती अगर आपने तो आप स्टार्टिंग में उसे फ्रॉड को या उस एरर को डिटेक्ट कर लेते ठीक है नाउ वट कम्स रूटीन चेकिंग इंक्लूड एक्चुअल में जब आप रूटीन चेकिंग करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो उसमें आप क्या क्या चीजें इंक्लूड करते हैं ठीक है फर्स्ट आता आपका चेकिंग द वेरियस कैलकुलेशन सच एज टोटल सब टोटल बैलेंसेस कैरिड फॉरवर्ड एक्सेट्रा जब भी आप अलग अलग अकाउंट मेंटेन करेंगे तो आप उसमें कैलकुलशन के ऊपर बहुत फोकस रहेंगे टोटल कितना है अगर कोई सब टोटल है जैसे हम होते तो हैं ना डेट इज माइनस प्रोविजन जो प्रोविजन एंड और वो आपका सब टोटल में आ रहा है तो ये चीजें देखना कैरेट फॉरवर्ड करना है तो क्या जितना अमाउंट कैरी करना था वही आपने फॉरवर्ड करा है ये सब देखना है एंट्रीज इन द लेजर विद इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जो एंट्री आपके लेजर में की गई है उसको एग्जामिन करना कि ऐसे ही बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में भी था चेकिंग द बैलेंसेज ऑफ वेरियस अकाउंट नेक्स्ट चेकिंग द बैलेंसिस कैरेट फ्रॉम लेजर इन टू द ट्रायल बैलेंस जो भी आप ट्रायल बैलेंस जब आप मेंटेन करते हैं तो जो भी आप बैलेंसेस को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं फ्रॉम द लेजर अकाउंट्स आप उसको भी प्रॉपरली चेक करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं था कि आपने कैरी फॉरवर्ड करना था फाइव हंड्रेड रुपीज और आप उसे लेके आ रहे हो फाइव थाउजेंड लिख रहे हैं ठीक है तो ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए तो बेसिकली रूटीन चेकिंग में यही सब आप इंक्लूड करते हैं बहुत ही छोटा सा टॉपिक था रूटीन चेकिंग होता क्या है जब आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन करते हैं ऑन डेली बेसिस और इसी डेली बेसिस की एग्जामिनेशन को आप कहते हैं रूटीन चेकिंग क्यों करते हैं ताकि आप अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर सको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की सो so दैट आप डिटेक्ट कर पाओ आपके फ्रॉड्स एंड एरर्स को ठीक है आई होप यू लाइक दिस वीडियो थैंक्स एंड हैव अ वंडरफुल डे